नमस्कार, स्पोर्ट्स दिल से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं विभोर श्रीवास्तव और हमारे साथ आज जो दो बड़ी शख्सियत मौजूद हैं वो किसी पहचान के, किसी नाम के और किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। जी हां, बिल्कुल आप सही पहचान रहे हैं। हमारे साथ हैं भारत की मशहूर धावक दुति चंद जी और उनके कोच रमेश। आप दोनों का स्वागत है स्पोर्ट्स दिल से पे। जी दुति मैम, सबसे पहले आपसे ही सवाल है। आपको 29 अगस्त को अर्जुन अवार्ड से नवाजा जाएगा, पहली प्रतिक्रिया आपकी? दुति मैम आपको आवाज आ रही है? दुति मैम आपको आवाज आ रही है हमारी? हेलो, आ रही है? जी हेलो, हाँ हाँ आवाज आ रही है, बोलिए। आया जी? जी आ रहा, आ रहा है। पहले तो धन्यवाद दूंगी हमारे स्टेट गवर्नमेंट को, उन्होंने पहले बार मुझे मेरा नाम सुपरस्ट किया था इंडिया गवर्नमेंट को कि ऑर्जिनल दिलाने के लिए मुझे, और अथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया भी मुझे नॉमिनेशन किया था सही टाइम पर कि मुझे ऑर्जिनल मिलने के लिए। मुझे बहुत प्राउड महसूस हो रहा है कि पहली बार मैं ऑर्जिनल ले रहा हूँ नेशनल लेवल में। इस अवार्ड के पीछे जो जो लोग मुझे सपोर्ट किया है, मैं सभी का धन्यवाद दे रहा हूँ। और ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा सपना था कि मुझे ऑर्जिनल कब मिलेगा, क्योंकि 4 साल से लगातार मैं इंटरनेशनल लेवल में अच्छा प्रदर्शन कर रहा हूँ, जैसे एशियन गेम, एशियन चैंपियनशिप, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में गोल्ड मेडल भी हासिल किया मैंने पहले पहले तो मेले के हिसाब से। तो सब प्रति देखेंगे तो मेडल के हिसाब से मुझे मिलना का हकदार था, लेकिन लास्ट मोमेंट में पता चला कि अभी मिल रहा है, तो मुझे बहुत खुशी महसूस हो रहा है। जी बिल्कुल, आपने एशियन गेम्स की बात की तो हम अपने दर्शकों को बता दें, काफी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं दुति जी आपके लिए और काफी हमारे दर्शक जुड़ गए हैं इस समय, वो आपको मुबारकबाद दे रहे हैं। देश के अलग अलग जगहों से, उड़ीसा से, कर्नाटक से, मुंबई से, दिल्ली से कई लोग जुड़ चुके हैं और वो आपको लगातार बधाई दे रहे हैं आपकी अचीवमेंट पे। और इन दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि आपने एशियन गेम्स में 2018 में 100 मीटर 200 मीटर में सिल्वर मेडल हासिल किया था और ये एक बहुत प्राउड मोमेंट वाली बात थी, खासकर भारतीय वुमेन्स खेल के लिए, जहां लड़कियों को आगे आने के लिए सोचना पड़ता है। हमारे साथ दुति चंद जी के कोच भी मौजूद हैं, रमेश जी। रमेश जी, जब किसी शिष्य को इतनी अच्छी उपलब्धि मिलती है, इतने बड़े अवार्ड से नवाजा जाता है, उसकी मेहनत को नवाजा जाता है, तो एक सफल कोच की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? ये डेफिनेटली ये बहुत बड़ी, कोई भी कोच को, ये कोई भी गुरु को बहुत खुशी की बात होती है। जैसे उनके शिष्य को और हाईएस्ट पुरस्कार है खेल में जी। वो आज दुति चंद को मिल रहा है, ये बिल्कुल दुति चंद का मेहनत है और ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड जो उन्होंने स्ट्रगल किया है जी। और जो भी इनके ये जर्नी, अर्जुन अवार्ड की जर्नी में जो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनको हेल्प किया है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, फेडरेशन हो, नेशनल गवर्नमेंट हो, कीट हो, या गोपीचंद एकेडमी भी हो, कोई भी हो, ये इस जो जर्नी में इनको, इनके साथ खड़े थे, और सोसाइटी भी, बिकॉज ए चैंपियन नर्चर्ड बाय द सोसाइटी, सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और बहुत बहुत बधाई यहाँ दुति को, क्योंकि अभी बहुत आगे जाके और कई अवार्ड ले सकते हैं दुति। दुति में उतना क्षमता है, उसमें टैलेंट है, लगन है और फाइट करने का शक्ति भी है। जी बिल्कुल, मैंने इनका खेल पर्सनली भी देखा है, ऐसे खेल पत्रकार होने के नाते, और मुझे बड़ा यकीन है, अंदर से ऐसी फीलिंग हमेशा आती है कि बहुत जल्द गोल्ड भी जो है दुति चंद लेके आएंगी और नेशनल एंथम जो है वो गाती हुई नजर आएंगी। दुति जी, आपके अब तक की जर्नी के ऊपर बात करते हैं, अब तक कई आपने जो है गेम्स में मेडल जीते हैं, एशियन चैंपियनशिप की अगर बात करें तो आपने
2013 में पुणे में ब्रॉन्ज जीता, भुवनेश्वर में 100 और 4x100 में ब्रॉन्ज जीता, 2019 दोहा एशियन 200 मीटर में ब्रॉन्ज जीता, इसके बाद 2016 दोहा एशियन इंडोर एथलेटिक्स में 100 मीटर में ब्रॉन्ज जीता। तो आपने लगातार आपकी कामयाबी काफी रही है, ऐसा कौन सा मोमेंट आया जब आपको स्ट्रगल थोड़ा ज्यादा करना पड़ा इस मुकाम तक आने के लिए? पहले तो आपको ये बता देती हूँ, नेशनल लेवल में मेरा 1200 से 1500 गोल्ड मेडल है मेरे पास में, और इंटरनेशनल लेवल के बारे में देखेंगे तो 30 से ज़्यादा मेडल है मेरे साथ। जैसे मैं साउथ एशियन गेम में भी मेडल हासिल किया है, एशियन चैंपियनशिप, 4 एशियन चैंपियनशिप खेल चुकी मैंने और 4 एशियन चैंपियनशिप में मेरा मेडल है, और एशियन ग्रैंड प्रिक्स में भी गोल्ड सिल्वर मेडल भी 5-6 मेडल साथ में है, और एशियन गेम में भी 2 सिल्वर मेडल हासिल किया, और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में भी पहली भारत में मिले से गोल्ड मेडल भी हासिल किया, री ओलंपिक भी खेला मैंने, वर्ल्ड चैंपियनशिप 2 बार पार्टिसिपेट करने का मौका मिला था मुझे, और खुद का रिकॉर्ड को मैं 7-8 महीने बार तोड़ी मैंने, और इसके साथ देश का सबसे तेज धाविका होने से मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि 5 साल से लगातार मैं चैंपियन बन रही हूँ। तो हिसाब से देखेंगे तो परफॉर्मेंस में तो कहीं कमी नहीं रहा, अच्छी तरह से मैं प्रिपरेशन करके देश का नाम रोशन कर रहा हूँ। मेरे जो कोच है नागपुर रमेश सर, मुझे सुबह शाम तक मेरे पीछे लगे रहते हैं, हमेशा मुझे गाइड करते हैं क्या क्या शेड्यूल मुझे अच्छे प्रिपरेशन करेगा आगे के लिए और इम्प्रूवमेंट करके, वो लगातार मेरे साथ में है। और जो सपोर्टिंग स्टाफ रहते हैं जैसे KIT यूनिवर्सिटी और पुलेल गोपीचंद एकेडमी, इंडिया गवर्नमेंट, उड़ीसा गवर्नमेंट, सब लोग मुझे सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो मेरा दिक्कत वही था 2014 में जब एशियन गेम और कॉमन गेम के लिए सिलेक्ट हो गई थी, सिर्फ 3 दिन से पहले मुझे कहा गया कि तुम टीम के लिए एलिजिबल नहीं हो, तुम खेल नहीं सकते हो, तुम्हारे बॉडी में कुछ हार्मोन का डिफिकल्ट है। तो इसको लेके मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा। मैंने इसी रूल के हिसाब से मैंने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्विट्जरलैंड में केस अपील किया सच्चाई जानने के लिए किस लिए मुझे निकाल दिया गया है। तो बाद में पता चला कि मेरी बॉडी में कुछ हार्मोन जो हाइपरोनिजम हार्मोन थोड़ा ज्यादा हुआ था, जिसके बाद मुझे टीम से निकाल दिया गया था। वो जो हार्मोन था वो मेरा नेचुरल, मैं कोई भी डोपिंग वगैरह नहीं लिया था, इसलिए मैंने केस में जीत के लड़ाई तो किया, लड़ाई के बाद में मुझे जीत हुआ और फिर ट्रैक को वापस आई और दमदार प्रदर्शन दे के देश को नाम रोशन किया। तो वही मेरा थोड़ा दिक्कत का सिचुएशन था रूटीन में। जी बिल्कुल, आपका स्ट्रगल काफी रहा है और आपका जिस तरीके का स्ट्रगल रहा और जिस स्ट्रगल के साथ आप आगे निकली हैं, यकीन मानिए देश की करोड़ों लड़कियां आज आपको देख के खेल के दुनिया में आई हैं। और एक जमाना था जब लड़कियां पीटी उषा जैसा बनना चाहती थी, लेकिन आज की लड़कियां दूति चंद जैसा बनना चाहती हैं। और अगर आप ये मुकाम, अगर लड़कियों के मन में अगर आज दूति चंद का नाम है और लड़कियां उसकी जैसा बनना चाहती हैं, तो इस पूरे देश के लोगों को ये समझना होगा कि दूति चंद ने बाकी कितना स्ट्रगल किया है और किस मुकाम को हासिल किया है। रमेश जी से जुड़ते हैं। रमेश जी, आप के साथ काफी सालों से दूती चंद जी जुड़ी रही हैं और आपने उनको काफी कुछ तरीके से गाइड किया है, मेहनत की है, तो आप उनके स्ट्रगल को काफी अच्छे से जानते हैं। आपने किस तरीके से उनके स्ट्रगल को ऑब्जर्व किया और किस तरीके से आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया? या जो दूती चंद ने कहा है सही कहा है, क्योंकि 2014 में जो इंसिडेंट हुआ उसमें तो मतलब बिल्कुल ही सभी लोग बोले ये फिर वापस ट्रैक में नहीं आ सकते, लेकिन दूती को, दूती के हिम्मत को मैं दांत देती हूँ, क्योंकि उन्होंने कभी भी हमेशा बोला सर जब हमारा गलती नहीं है तो हम फाइट करेंगे, हमारा गलती क्या है। तो हमेशा दूती का एक रहता है कि व्हेन यू आर राइट यू फाइट, ये एक चीज है। और जो जो उस टाइम पे जो पायश्नी मित्रा है जो जेंडर साइंटिस्ट है, और उस टाइम पे जीजी थॉमस वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया के वो डीजी थे वो, और कीट, ये लोग बहुत इनको स्टैंड किए, और इनके फादर मदर को और इनके बड़े सिस्टर सरस्वती जी को मैं बहुत मानता हूँ, क्योंकि ये लोग बहुत इनको सपोर्ट किया है बिल्कुल। और जो फाइट करके जो वापस आने से, ये अवार्ड दूति के लिए नहीं, इनके कई लड़कियों को वो भागने से मना कर रहे थे, वो उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में हिम्मत से लड़के जीते हैं, और ऐसे कई लड़कियों को भागने का मौका मिला, क्योंकि भागना तो नेचुरल राइट होता है, राइट टू स्पोर्ट, बिकॉज ये नेचुरल है, कोई ऐसा रूल इनको खेलने से नहीं रोक सकता, ये दूती ने किया है। और ये स्ट्रगल आज दूती ने पूरा वर्ल्ड में ऐसे लड़कियों को खेलने का मौका दिया है,
ये हमारे भारत सरकार के लिए नहीं, वर्ल्ड में भी एक अच्छा मैसेज जाता है कि ऐसे लड़कियों को भी रिकॉग्निशन मिलता है और बिल्कुल गवर्नमेंट। बिल्कुल सही कह रहे हैं रमेश जी, और शायद यही वजह है कि भारत सरकार ने खेलो इंडिया और ऐसे प्रोग्राम बनाए हैं ताकि हर एक खिलाड़ी, चाहे वो आर्थिक स्थिति से मजबूत ना हो या किसी भी वजह से हो, वो अपने खेल के जरिए, अपने प्रतिभा के जरिए आगे आए और देश का नाम रोशन करे और दूती चंद जैसा अपने परिवार का और पूरे देश का नाम इंटरनेशनल लेवल पे रोशन करे। दूती जी, एक आपसे थोड़ा पर्सनल सवाल था, क्योंकि एक हमारे दर्शक हैं उनका भी यही सवाल है कि आपके लिए अब तक की अचीवमेंट में ऐसा कौन सा मेमोरेबल मोमेंट रहा है जो आपको हमेशा याद रहेगा? मेरा तो हमेशा जो भी कंपटीशन लड़ा है, सात चीज का मोमेंट मुझे याद रहेगा। बेसिकली मैं देखूंगी तो बड़ा सफलता में एशियन गेम में 2 सिल्वर मेडल हासिल किया था 16 साल के बाद, के बाद कोई भी इंडिविजुअल इवेंट में मेडल नहीं लेते 100 मीटर 200 मीटर में। और देखेंगे तो रियो ओलंपिक जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन होता है ओलंपिक, 36 ईयर के बाद पिटी सतीदी के बाद कोई भी इंडिविजुअल पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे ओलंपिक में, जो मैंने करके दिखाई थी। और सबसे बड़ा है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम, तो विश्व में सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन जो होता है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स कॉलेज तरफ से, उसमें मैं गोल्ड मेडल हासिल किया था पहली भारतीय महिला के हिसाब से, क्योंकि अभी तक कोई भी भारतीय की महिला गोल्ड मेडल हासिल नहीं किया था 100 मीटर में और 200 मीटर में, तो मैं 100 मीटर में पहली बार गोल्ड मेडल हासिल किया था, वो मोमेंट मुझे बहुत याद रहेगा। और इसका साथ में जो नेशनल लेवल में जो कॉम्पिटिशन किया है, पूरा लगातार 5 साल से चैंपियन बन रही हूँ और खुद का रिकॉर्ड को 7-8 बार तोड़ चुकी हूँ मैंने, और 1200 से 1500 गोल्ड मेडल मेरे पास हासिल करके रखा मैंने, ये मोमेंट पूरा मतलब जिंदगी भर याद रखेगा। जी बिल्कुल, रमेश जी आपसे जानना चाहते हैं, काफी साल से आप जो है दूति जी को कोच कर रहे हैं, ऐसा कौन सा मोमेंट लगा या कि आपको कैसा कौन सा मोमेंट लगा कि जब आपको वो पल के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए जिसमें आपको लगा कि ये खिलाड़ी जो है, ये एथलीट जो है, ये बहुत आगे तक जाएगा और देश का नाम रोशन करेगा? नहीं, जैसा मैं जो दूति बोले वो सही है, क्योंकि हर रेस मेमोरेबल होता है, क्योंकि दूति जब रेस में जाती है तो मेरा जो कोचिंग एक्सपीरियंस में है, सब लोग 100% लगाते हैं लेकिन दूती 110% लगाती है, तो इसलिए हर रेस जैसा लगता है कि भाई जीवन मरण का समस्या है, ऐसा है। और लेकिन खास को भी दो रेसेस मुझे बहुत ये लगते हैं, क्योंकि जब 2014 में उनको बैन किया, फिर पहला रेस था एक नेशनल गेम्स स्टूडेंट रन में, क्योंकि उस रेस पहली बार काफी ब्रेक के बाद काफी ट्रेनिंग नहीं चला था दूती का, लेकिन उसी में भी आके उन्होंने 100 मीटर जीता, वो एक मेन है। और रियो ओलंपिक्स क्वालिफाइंग, क्योंकि लास्ट चांस हमें था कजाकिस्तान में, क्योंकि हमें देश का रिकॉर्ड ब्रेक करना था क्वालिफाई करने के लिए, और उस टाइम पे सभी लोग बोले कि भाई तुम 400 मीटर करेंगे तो रिले में आपको क्वालिफाई होने का इजी चांस है, लेकिन दूती को भी मैं बोला चांसेस थोड़ा इजी बनते हैं अगर 400 मेरे, तो दूती ने बोला नहीं सर हम 100 मीटर करेंगे, और आगे वाले लड़कियां भी मेरे देख के सभी लोग 100 मीटर में आना है, और 4x100 का भी हिंदुस्तान का टीम स्ट्रांग बनाएंगे। वो लास्ट रेस था कजाकिस्तान में, वही लास्ट चांस था, उसके बाद में हमें कोई चांस नहीं था, और उस टाइम पे हम लोग करीब आ गए थे, 11.32 था 11.33, वो लास्ट रेस उन्होंने करके क्वालिफाई कर दिया, वो एक है मेमोरेबल। और जो एशियन गेम में 100 मीटर में इंडियन हिस्ट्री में 200 मीटर 400 मीटर में काफी मेडल है, लेकिन 100 मीटर में जो 1956 से एशियन गेम्स जो शुरू हुआ, अभी तक इंडिया को सिर्फ 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज मिला है, इतना टफ है 100 मीटर एशिया लेवल पे, उस कंपटीशन में जाके जो 100 मीटर जीते हैं ये भी मेमोरेबल है। और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रमेश जी जो दूति चंद जी को कुछ खास बनाती है और करोड़ों लाखों भारतीय लड़कियों के बीच एक हीरो का दर्जा देती है। दूति जी, कई लड़कियां जो हैं दर्शक हमारे, फीमेल दर्शक हमसे, हमारे साथ जुड़ी हैं, वो ये पूछ रही हैं कि आपके जैसा बनने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, और वो अगर एथलीट में आना चाहती हैं तो क्या उनको डाइट रखना चाहिए और किस तरीके से अपने आपको प्रिपेयर करना चाहिए, वो आपसे जानना चाहती हैं। पहले तो मैं इन लोग का पेरेंट्स को यही कहूंगी, सिर्फ पढ़ाई करके हम बड़े लोग नहीं बन सकते,
पढ़ाई करके तो हम अच्छा नौकरी मिल जाएगा, अच्छा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन देश का नाम रोशन हम इतना आसान से नहीं कर पाएंगे। देश बिल्कुल का सही, नाम रोशन के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ काम करने के लिए हमको स्पोर्ट्स की जरूरत है। स्पोर्ट्स करेंगे तो हमको दो चीज की फायदा होगा, एक तो हमारा फिजिकल स्ट्रांग बनेगा और इसके साथ साथ हम देश का और हमारे स्टेट का, हमारे घर वालों का, सबका नाम रोशन होगा। और पहले तो सब वही सोचते थे कि खेल कूद में कोई कैरियर नहीं है, कोई खुद का कैरियर नहीं बना सकेंगे, क्योंकि कोई जॉब नहीं है, कोई प्राइज मनी नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं देंगे, फ्यूचर में जब स्पोर्ट्स रिटायरमेंट लेंगे तो कोई पेंशन नहीं है, तो ऐसे लोग सोच के खेल कूद में कोई ध्यान नहीं देते थे। लेकिन हमारे अभी जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो स्कीम सारा निकल दिया गया है कि कोई भी एथलेट अच्छा परफॉर्मेंस करे इसको अवार्ड दिया जाएगा, इसको प्राइज मनी दिया जाएगा, और इसका साथ साथ गवर्नमेंट सेक्टर में स्पोर्ट्स कोटे में जॉब भी मिलेगा। तो ये सारी सुविधा देने के बाद बहुत बच्चे लोग को स्पोर्ट्स को इंटरेस्ट हुए और इनके पेरेंट्स भी इंटरेस्ट आए, जो इसके कारण से आज धीरे धीरे स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट हो रहा है। तो ऐसे कोई स्पोर्ट्स पर्सनलिटी आप चाहेंगे कि आप खेलना चाहेंगे कि देश का नाम रोशन करना चाहेंगे तो आराम से आ सकते हैं, इनको आप पूरा तरह से वेलकम, क्योंकि इनके कोई भी दिक्कत नहीं होगा लाइफ में जीने के लिए, कैरियर आराम से बना सके। खेल के लिए तो गवर्नमेंट तरफ से बहुत सारा स्कीम है, जैसे खेलो इंडिया स्कीम और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया तरफ से हर जगह में स्पोर्ट्स एकेडमी बना रही है, जिसको बच्चों को ट्रेनिंग का कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसके साथ साथ जो अवार्ड मनी मिल रहा है, प्राइज कैश अवार्ड भी मिल रहे हैं, इसको फैमिली चलाने के लिए या खुद के लाइफ के लिए कोई दिक्कत भी नहीं होगा। और इसके साथ गवर्नमेंट सेक्टर भी स्पोर्ट्स कोटे में जॉब मिल रहा है, जब वो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो सबको यही कहूंगी पढ़ाई करो, इसके साथ साथ खेल भी करो, जो हमारे देश का नाम रोशन फ्यूचर में और अच्छा बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात कही दूती जी आपने। रमेश जी, आपके पास भी कई लड़कियां आती होंगी, एथलीट लड़कियां आती होंगी खुद को एथलीट में के खेल में बढ़ाने के लिए, लेकिन क्या आपको अभी भी इस तरीके की मेंटालिटी का सामना करना पड़ता कि उनके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते या वो लड़कियां थोड़ी हिचकती हैं? क्योंकि भले ही आज का काफी हमारा देश मॉडर्न हो गया है या जो है वो जो पुरानी रीतियां थी वो बदल गई हैं, लेकिन आज भी कई लड़कियां जो हैं वो आगे बढ़ने से हिचकती हैं और पेरेंट्स या तो उनको रोकते हैं, तो क्या आपको भी अभी भी ऐसे लोग मिलते हैं? या एक बात तो है, लेकिन अभी जैसा दूति बोले, अभी जो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट जो खेलो इंडिया फिट इंडिया ये फेडरेशन से काफी काम कर रहे हैं, लेकिन जो मेरा आपने सही पूछा, क्योंकि एथलेटिक्स जो होता है ना ये गेम काफी 99% ग्रामीण जगह से रहते हैं और गरीब का गरीब मतलब पूर फैमिली से ही रहते हैं। तो मेरा एक एक्सपीरियंस है, टैलेंट है हमारे पास, लेकिन हम उनको रीच करना चाहिए, क्योंकि जो गांव में रहते हैं उनको हम रीच करने से ये काफी मतलब हमारे देश का खेल आगे जा सकता है। मैं बोलता हूँ भाई, हर गांव में एक ग्राउंड खेल का ग्राउंड होना चाहिए और हर बच्चे का खेलने का हक है, मीन्स राइट टू प्ले, राइट टू प्ले अगर करें तो हम पक्का आगे जा सकते हैं। आप सही बोले, अभी पहले तो मोदी जी बोल रहे थे बेटी बचाओ, लेकिन बेटी हमारा देश का इज्जत बचा रहा है, क्योंकि ओलंपिक्स में देख लो, कहीं भी देख लो, अभी बेटी बचाओ नहीं, बेटी ने इज्जत भी बचा रहा है। तो हमें लड़कियों को बहुत मोटिवेट करने का जरूरत है और पेरेंट्स का भी इसके नजरिया बदलने का मौका आ गया है अभी। बिल्कुल, बहुत सही कह रहे हैं, क्योंकि आजकल जितने पिछले खेलों में हम देख लें, दूती चंद जी हो गई, साक्षी मलिक हो गई, और ऐसी कई लड़कियां एथलीट हैं, नेहवाल जी को ले लीजिए, मैरी कॉम को ले लीजिए, मैरी कॉम सबसे बड़ी उदाहरण है, जो कि मदर भी हैं और 6 बार की बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन है। तो महिलाएं क्या नहीं कर सकती हैं, लड़कियां क्या नहीं कर सकती हैं, ये इस देश के माँ बाप को समझने की जरूरत है। और लड़का लड़की में भेद करने के बजाय लड़कियों को आगे आना लाना चाहिए और लड़कियां जो करना चाहती हैं, जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हैं, उन्हें बढ़ाना चाहिए। और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि दूती चंद जी और आपकी और रमेश जी की बात सुनकर इस देश के माता पिता का आज अब जो सोच है वो खुलेगी और वो निश्चित रूप से इस चीज से जागेंगे। चलते चलते एक बहुत छोटा सवाल ले लेते हैं दूती जी से। दूती जी, अब आपकी आगे की तैयारियां कैसी चल रही हैं और फ्यूचर चैलेंजेस आपके लिए क्या रहेंगे? पहले तो ये बता देती हूँ, जैसे बॉर्डर में युद्ध हो या ना हो, लेकिन जवान को एक्टिव रहना जरूरी है,
जैसे हमारे स्पोर्ट्स में कंपटीशन हो या ना हो, लेकिन हमेशा फिजिकल को स्ट्रॉन्ग रख के रखना जरूरी है। तो अभी तो आपको पता होगा कोरोना वायरस के वजह सारी कंपटीशन पोस्टपोन हो चुका है, और वो कोरोना वायरस के लिए हर स्टेट हर कंट्री शटडाउन का भी लॉकडाउन हो जाता है। फिर भी हमने इतना बड़ी दिक्कत के सामना करके रिस्क लेके हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। ट्रेनिंग कभी भी मेरा बंद नहीं हुआ है। जिस दिन हमारा गवर्नमेंट ने शटडाउन घोषणा किया, इस दिन से 10-15 दिन मैंने घर में बैठ के ट्रेनिंग किया। बाकी दिन मैंने हमेशा कलिंग स्टेडियम जाके ट्रेनिंग कर रहा हूँ सुबह शाम। मेरे कोच साहब भी मुझे ऑनलाइन में टाइम देते हैं, जो जो चीज मुझे ट्रेनिंग करना है वो पूरी तरह से मुझे गाइड करते हैं। अभी देखेंगे तो नेक्स्ट ईयर टोक्यो ओलंपिक होने वाली है, इसकी तैयारी चल रही है। अभी मेरा पूरा उम्मीद है जितना जो टारगेट दिया गया है 11.15, इसको जल्दी से कवर करके ओलंपिक को प्रतिनिधित्व करने के लिए मौका हासिल करेंगे। और वही इसकी फोकस है कि हर चीज तो मुझे मिल गया, जैसे एशियन लेवल में हो, वर्ल्ड लेवल में तो मेडल आ गया, अवार्ड भी मिल रहा है, लेकिन ओलंपिक में अभी तक भारत में कोई भी एथलीट मेडल हासिल नहीं किया है। मैं इसको पाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। मेरा पूरा उम्मीद है सबका आशीर्वाद और सबका सहयोग रहेगा, गवर्नमेंट का सपोर्ट रहेगा, तो निश्चित ये चीज पूरा होगा। बिल्कुल पूरा होगा दूती जी। रमेश जी, चलते चलते आपसे भी एक छोटा सवाल ले लेते हैं। अगले साल रियो ओलंपिक है, तो उसके लिए आपने क्या दूती जी के लिए एक्शन प्लान, खास एक प्लान बना के रखा है, और क्या ट्रेनिंग प्लान बना के रखा है, जिससे इस बार दूती जी वो करिश्मा करके दिखाएं ओलंपिक में जो आज तक किसी भी ने भी नहीं किया है। जो दूती जी बोले जो सही बात है, क्योंकि एथलेटिक्स में अभी तक ओलंपिक्स में मेडल नहीं आया है। पूरी हमारी ये कोशिश रहेगी, पहले तो क्वालिफाई करना है, जैसे दूती बोले 11.15 है, और उसी के अलावा और एक रूल भी है 56 रैंक, अगर वर्ल्ड के अंदर 56 के अंदर भी रहे तो हम ओलंपिक जा सकते हैं। तो ये है, और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस ओलंपिक्स में देने की, क्योंकि दूती को अभी ओलंपिक्स 2016 में ओलंपिक्स भाग चुके हैं, उनको काफी एक्सपीरियंस हो गया, शायद वो एक्सपीरियंस और इनको काम आएगा। और हमारा एक ही प्लान है कि दूती इंटरनेशनल स्थल पे जितने रेस मिले उतना अच्छा है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी चैलेंज है, क्योंकि जब वर्ल्ड लेवल पे जाके दूती भागती हमेशा इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा टाइमिंग दिया है वो। हमारा मेन प्लान यही है कि काफी रेसेस इंटरनेशनल लेवल पे रेसेस करें, ये हमारा मेन प्लानिंग है टू द नेक्स्ट ओलंपिक्स के लिए। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जो प्लानिंग है वो काम करेगी, और करोड़ों देश की दुआएं भी दूती जी आपके साथ हैं, और यकीन मानिए आपकी मेहनत तो आप कर ही रही हैं, और लाखों करोड़ों करीब 130 करोड़ की जो हमारे देश की जनता है वो आपके लिए दुआ कर रही है, और दुआ भी करेगी जब आप टोक्यो में अपनी क्वालिफाइंग राउंड के लिए जाएंगी और मेडल के लिए आप कोशिश करेंगी, तो पूरे 130 करोड़ की जनता भगवान से आपके लिए दुआ करेगी। और निश्चित रूप से हमें यकीन है कि आप टोक्यो में जाके देश का नाम रोशन करेंगी और पोडियम पे खड़े होके नेशनल एंथम गाते हुए नजर आएंगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ फिलहाल हमारी इस बड़ी खबर में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा, साथ ही दूती जी को जरूर सपोर्ट करिएगा, क्योंकि हर एक देशवासी के सपोर्ट से ही खिलाड़ी आगे बढ़ता है और उसे मोटिवेशन मिलता है। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार।